China will match friendly relations with Taliban. No wars going in Afghanistan. नमस्कार दोस्तों, आज पूरा विश्व अफगानिस्तान के खतरनाक माहौल से रूबरू है। चारों तरफ तबाही का मंजर है। कई सालों से चल रहे इस युद्ध के बाद आखिर में तालिबान ने पूरी तरह से अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी अफगानिस्तान छोड़कर दुबई जा चुके हैं और इसी के बाद तालिबान ने घोषणा किया कि अफगानिस्तान में युद्ध समाप्त हो चुका है और तालिबान समूहों द्वारा राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया है। शातिर चीन ने कहा कि वह तालिबान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करेगा। चीन का कहना है कि वह अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने को तैयार है। इसके साथ ही चीन ने यह भी कहा है कि वह काबुल स्थित अपना दूतावास बंद नहीं करेगा। चीन के साथ ही पाकिस्तान, तुर्की और रूस का भी यही कहना है कि वह अपने दूतावास को बंद नहीं करेंगे। पिछले दिन काबुल एयरपोर्ट्स पर मची अफरा तफरी को देखते हुए यहां से कमर्शियल फ्लाइट्स को बंद करने का ऐलान किया गया है और इस कारण यहां कई लोग फंस गए हैं। सूत्र बताते हैं कि भारत अपने नागरिकों को निकालने के लिए चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है। एयरपोर्ट बंद होने की सूरत में हो सकता है कि भारत अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट करवाए। अफगानिस्तान छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ हुई है और इस बीच फायरिंग से कई लोगों की जाने जा चुकी है और कई लोग घायल भी हुए हैं। अफगानिस्तान में खराब होते हालात को देखते हुए दिल्ली स्थित अफगान दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दूतावास के बाद बैरिकेडिंग की गई है और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। अफगानिस्तान में रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि सब डरे हुए हैं, लोगों ने खुद को घरों में बंद कर लिया है। तालिबान की मौजूदगी सभी गांवों में है, स्थानीय लोग उनसे बचकर कहीं भाग नहीं सकते। तालिबान के हथियारबंद लड़ाके सड़कों पर खुलेआम घूमते देखे जा सकते हैं। सुबह और शाम वे लोगों के दरवाजों पर दस्तक देते हैं और खाने पीने की चीजें मांगते हैं। लोग अंजाम के डर से उनकी मांग पूरी करते हैं। तालिबान लड़ाकों को हर एक घर से 3-4 रोटियां या कोई और खाना दिया जाता है। इसी के साथ अगर तालिबान लड़ाका उनके घर में रहना चाहे तो लोगों के पास इसे मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है। पूरे अफगानिस्तान में डर का माहौल फैला हुआ है। लोग देश से भागने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाए। लेट्स प्रे फॉर अफगानिस्तान। धन्यवाद।